देव मानव सेवा ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा व राष्ट्रीय महासचिव पंडित महेश पांडे के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देव मानव सेवा ट्रस्ट अब एक राष्ट्रीय संगठन का रूप ले चुका है। देश के 15 राज्यों में ट्रस्ट की टीम मानवता के कार्यों जैसे महिला उत्पीड़न, मानव सम्मान, महिला जागरूकता, स्लम बच्चों की शिक्षा के लिए देव पाठशाला, बेटियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र आदि के लिए कार्य कर रही है। देव मानव सेवा ट्रस्ट जहां मानवता और महिला सशक्तिकरण व विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्य करता है, वहीं यह ट्रस्ट देश में अलग अलग जगहों पर समाज कल्याण में लगे समाज सेवियों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी करता रहता है। ट्रस्ट अभी तक 4 राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित कर चुका है। सबसे पहला और विशाल राष्ट्रीय सम्मान समारोह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 8 जुलाई 2018 को किया गया, जिसमें देश के उच्च कोटि के समाज सेवकों को भारतीय गौरव अवार्ड, शिक्षक रत्न अवार्ड, हिंदू रत्न अवार्ड व मानव सेवा सम्मान अवार्ड देकर समाज सेवकों को अलंकृत किया गया। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय सम्मान समारोह हरियाणा के पंचकुला जिले में 24 अगस्त 2018 को किया गया, जिसमें देश के चुनिंदा सेवकों को जय हिंद अवार्ड से अलंकृत किया गया। तीसरा राष्ट्रीय सम्मान समारोह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में फरवरी 2019 में किया गया, जिसमें वहां रहने वाले सच्चे समाज सेवकों को काशी के कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब फिलहाल में ही देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा विशाल राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवियों को शान ए हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले 10 मार्च 2019 रविवार को ही देव मानव सेवा ट्रस्ट व राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा व राष्ट्रीय महासचिव पंडित महेश पांडे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा ने सभी की गौरवमयी उपस्थिति में देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 200 समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो व पटका देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय हरीश रावत ने कहा कि ऐसे सुंदर आयोजन जिनसे समाज सेवियों का हौसला बढ़ता है, हमें निरंतर करते रहना चाहिए। वहीं इस आयोजन में स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के कर कमलों से सभी सम्मानित अवार्डियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं के सम्मान की जहाँ तक बात है, जो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज कह रहे थे, चाहे घर में हो या बाहर हो या विदेश में हो या सेना में, वैसे हमारे समाज में एक बात मैं कहना चाहूँगा, महिला शब्द का प्रयोग न करके नारी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अर्ध नारीश्वर शास्त्रों में आया है भगवान शिव के उसमें, यत्र नारीस्तु भुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान था वहाँ देवता भी वास करते। तो नारी उत्थान के लिए, क्योंकि भगवान की भी कोई जननी होती है, हर व्यक्ति कितना ही बड़ा हो किसी ना किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, और माताओं का सम्मान अवश्य होना चाहिए। माता शब्द हमने धरती के आगे लगाया, धरती माता, गंगा माता, गौ माता, वेद माता, चंडिका माता, तो माता शब्द, माँ शब्द एक ममता का प्रतीक है। विदेश की गाय बच्चा देगी या भारत की देगी, बच्चा गाय का उत्पन्न होते ही माँ शब्द बोलता है, तो माँ शब्द ममता का प्रतीक है। और वो माँ कौन बन सकती है? नारी बन सकती है, चाहे वो किसी भी देश की हो। क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाहूँगा, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने यही बात कही, तो उस घर में अंतर कलह होता है, डाइवोर्स होते हैं, संबंध विच्छेद होने के बाद चरित्र हनन के आरोप लगते हैं, तो घर परिवार टूटते हैं, समाज टूटता है, इससे देश के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए नारियों का सम्मान करना चाहिए, और प्रत्येक पति अपनी स्त्री का, माता का, बहन का, बेटी का, जो भी रिश्ता है उसका सही रूप से निर्वहन करे, यही मेरा संदेश। 8 तारीख अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उस उपलक्ष्य में देखो जिन जिन क्षेत्रों में हमारी बहनें काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, उन क्षेत्रों में दिल्ली से लेके काश्मीर से कन्याकुमारी तक, उन उन महिलाओं को और उसके साथ पुरुषों को भी बुलाया गया था, और उसमें जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं, विशिष्ट योगदान जिसका रहा है, तो उसी अनुसार जो जैसा था उस तरह से उनको आज सम्मानित किया गया।
कुछ मीडिया के हमारे जो लोग हैं जो मीडिया के क्षेत्र में मीडिया के माध्यम से सेवा करने का काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया गया, तो सबको सम्मान देने का काम किया गया। देखो कितना हौसला बढ़ता है इस तरह के सम्मानों से। आप देखो आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से कहीं भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, दो देशों में भी अगर होता है या आपस में परिवार में भी होता है, तो उसका मुख्य कारण ये सम्मान, और जहाँ पे असम्मान होता है वहीं पे युद्ध का स्थिति होती है। तो जहाँ पे अगर दुश्मन भी एक दूसरे को सम्मान देने लगे तो लड़ाई वैसे वो तुरंत खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये सम्मान देना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है समाज की। हम अंबिका शर्मा जी की जो संस्था है उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे महेश शर्मा जी जो हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्लस उस संस्था के महासचिव हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और यहाँ पर हमारे शास्त्री जी आए हैं और सुभाष जी हैं तो उत्तराखंड से हमारे चल के आए और तमाम लोगों ने मिलकर के सबने दिया है। और सभी लोगों को हमारे अपनी महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को हम बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं कि इस तरह से समाज के ऐसे लोगों को जो समाज के लिए कार्य कर रहा है उनका सम्मानित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो महिलाओं में हमारे हिंदू महासभा की रचना वशिष्ठ जी को भी सम्मानित किया गया, बिंदु शर्मा जी को प्रेस के माध्यम से किया गया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, नवरत्न जी को किया गया और दीपा शर्मा जी थी और वाया राखी और इन तमाम लोगों को जो अपने अपने क्षेत्र में ज्योतिष के माध्यम से चाहे जिस भी क्षेत्रों के माध्यम से काम कर रही हैं समाज सेवा के माध्यम से सबको सम्मान। क्या संदेश देना चाहेंगे सर सभी महिलाओं को? मैं देना चाहता हूँ कि जो जो लोगों को सम्मान मिला है समाज उनसे प्रेरणा ले और यह एक कार्य कर देने कर और करने की प्रेरणा देता है। और ये देता है कि आप अगर जो कार्य कहीं भी आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप को कोई अनदेखा कर रहा है, ये कोई संस्था है कोई लोग हैं तो वो आप पे निगाह रख रहे हैं, आपके कार्यों की निश्चित रूप से ये सराहना करते हैं। और निश्चित रूप से मैं आप बता दूं ये तो अपनी प्राइवेट संस्थाएं हैं, इसमें माध्यम से जैसे भी होता है हम लोग सरकार को भी इसको भेजेंगे कि जो इसमें से अच्छे कार्य कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी इनको सम्मानित किया जाए। तो इस तरह से ये लोग समाज के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं समाज में एक अच्छा माहौल पैदा होता है। तो हम इनको मंगल कामना देते हैं, बधाई देते हैं सम्मान के लिए और हम आशा करते हैं ये और भी दिन दिन रात चौदह कार्य।